ये लो भाई मरियम। अरे इतने कपड़े क्यों लेकर आई हो ये? अरे मैं कल तुम्हारे इंटरव्यू के लिए कोई अच्छा सूट देख रही थी, लेकिन बदकिस्मती से एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़ों में से कुछ पहन लूंगी। क्या हो गया मरियम तुमको? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है, और तुम ये मामूली कपड़े पहन के इंटरव्यू देने जाओगी? कुलसुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बस ज्यादा बहस मत करो, मैं जो कह रही हूँ ना तुमने वो ही करना है। अब इनमें से सेलेक्ट कर लो, जो सही लगता है तुमको वो पहन लेना, ठीक है? मैंने आपसे कहा था ना कि जुनेद बहुत शरीफ खानदान का फर्द है। तो फिर आज से आपका नाम शाहाना बेगम के बजाय सच्ची बेगम कर दिया जाए। आपको तो मेरा मजाक उड़ाने के लिए वहां कोई काम ही नहीं आता है, है ना? पक्के दुश्मन है आप मेरे, मजाल है जो मेरी किसी भी बात की तस्दीक करते हैं। खैर, मैंने पक्का इरादा कर लिया है सबा के लिए जुनेद का। इसमें कोई शक नहीं कि लड़का और उसके वालिद बड़े लाजवाब हैं, लेकिन बेगम खुदा को मानो किसी बच्ची को क्यों शादी के अजाब में डालना चाहती हो? बच्ची 20 साल की हो गई है, इस उम्र में उमर मेरी गोद में था। बच्ची की हरकतें देखी है आपने? देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द शादी हो जाए उसकी। बेगम एक तो आपकी मनतक है, उसने किसी से फोन पे बात कर ली तो उससे आगे की बात तुमने खुद फर्ज कर ली। अरे बड़ी सी बड़ी अदालतें कड़े से कड़े मुजरिम को सफाई का मौका देती है। उसके भाई को एक मौका दिया था ना, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे। बस मैं कुछ नहीं जानती, बात करें आप राजा साहब से बच्चों के लिए। मैं बेटी का बाप हूँ। तो क्या हर्ज है इसमें? वैसे तो बड़े लिबरल बनते हैं, मुझे तो राजा साहब और जुनेद दोनों इंटरेस्टेड लगे सभा में। आपने देखा नहीं कितना प्यार करके गए? 5,000 का नोट पकड़ाया उसे। अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर वो मान भी गए ना तो हम सिर्फ मंगनी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सभा की एजुकेशन मुकम्मल हो, आजकल लड़कियों को बहुत जरूरत है एजुकेशन की। हो जाएगा, पढ़ाई का मसला है ना, वो भी बाद में देख लेंगे।